हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आर्यन और आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सोनरा टेक में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना एसबीआई के जो आपका जो सेविंग्स अकाउंट है या चाहे आपका करंट अकाउंट है उसका कैसे आप स्टेटमेंट ईमेल स्टेटमेंट आप पीडीएफ के थ्रू ले सकते हो। तो दोस्तों, एंड तक वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि दोस्तों ये बैंकिंग सिस्टम है और बैंकिंग सिस्टम में हमें पेशेंस से काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें अपना ब्राउज़र खोल लेना है, चाहे आपके पास कोई सा भी ब्राउज़र हो चलेगा। और यहाँ पे आपको सिंपल गूगल के होम पेज पे आना होगा। गूगल के होम पेज पे आने के बाद एसबीआई के वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं onlinesbi.com। तो ये जहाँ लॉगिन इंटरफेस खुलने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है, पर्सनल बैंकिंग या चाहे आपका कॉरपोरेट बैंकिंग भी हो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं अपना यूज़र आईडी दे करके सोनरा गेमिंग। फ्रेंड्स, सोनरा गेमिंग मेरे गेमिंग चैनल का नाम है, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज़ को। यूट्यूब पे चैनल है, जाके आप चेक कर लीजिए एक बार। और यहाँ पे हम कैप्चा कोड फिर दे देते हैं 4G376। तो दोस्तों, कैप्चा कोड एंटर करने के बाद हमारा जो है लॉगिन हो गया है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद माई अकाउंट्स एंड प्रोफाइल्स पे आपको आना है स्टेटमेंट के लिए। उसके बाद आपको अकाउंट स्टेटमेंट पे जाना है। अकाउंट स्टेटमेंट पे जाने के बाद फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक टाइम पीरियड चाहिए। मतलब मान लीजिए कि अगर आप कहीं लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो मांगते हैं एक साल या दो साल का, एक जनरली तो एक साल का ही लोग मांगते हैं स्टेटमेंट। तो अब यहाँ फाइनेंशियल ईयर पे आ करके यहाँ पे 2020 टू 2000 जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा हो या जिस बैंक ने भी आपसे मांगा हो स्टेटमेंट, तो उसका टाइम पीरियड आप यहाँ पे एंट्री कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम अभी एक साल का निकाल रहे हैं। किसी किसी बैंक या लोन्स में 6 मंथ का भी या बाई मंथ या बाई डेट का भी होता है। बाई डेट का तो नहीं होता है, पर जो भी आपका टाइम पीरियड यहाँ पे हो, यहाँ पे आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद डाउनलोड इन पीडीएफ फॉर्मेट पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको सिंपल सा गो करना है। दोस्तों, गो करने के बाद इसके बाद सीधा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा मेल आईडी आपकी डाउनलोड हो चुकी है। तो यहाँ यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट डाउनलोड हो चुकी है। तो स्टेटमेंट को मैं खोल लेता हूँ और ये हमारे स्टेटमेंट है हमारे सामने स्क्रीन पे। तो दोस्तों, ये मेरा जो अकाउंट है वो टाइनी है, वो क्या कहते हैं, जनधन योजना वाला अकाउंट है। पर कोई इससे कोई दिक्कत नहीं होता है, जो भी अकाउंट हो। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है दोस्तों, तो आप वो सब काम कर सकते हो जो हम लोग ब्रांच जाके उतना लेट करते हैं। दोस्तों, फिज़िकल स्टेटमेंट के लिए अगर आप बात करें तो फिज़िकल स्टेटमेंट तो आपको ब्रांच में मिलेगी। और ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं जो स्टेटमेंट अटैच कर रहे हैं तो वो फिज़िकल ही हो। आप यहां से भी प्रिंट करके भी आप देख सकते हैं किसी भी अपना एजेंट को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को। तो कोई दिक्कत नहीं होगा इससे फ्रेंड्स। और तो और दोस्तों, एसबीआई से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस अगर आपके पास में हो या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं 100% उनका रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों, हमारे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सपोर्ट करके जाना, हमें अभी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। फ्रेंड्स, शेयर करना उनके फ्रेंड्स के पास जिनको स्टेटमेंट डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।